दोस्तों आजकल छोटे पर्दे का हर एक सितारा चाहता है कि वह बड़े पर्दे पर नजर आए, यानी कि बॉलीवुड में। और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए टीवी इंडस्ट्री के कई छोटे सितारों ने बॉलीवुड में अपना हाथ भी आजमाया, तो वहीं कई सितारे सफल रहे तो कई नाकामयाब। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन 5 अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर धमाल मचा रखा है। तो चलिए, इंतजार किस बात का है, आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, मौनी रॉय। टीवी सीरियल नागिन से छोटे पर्दे पर धमाल मचाने वाली मौनी रॉय से आप बेहद काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होंगे। टीवी से फिल्मी की दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा अधिक धमाल मचाने वाली मौनी रॉय का इस सूची में पहला नाम आता है। बीते 2019 मौनी रॉय के लिए किसी सपने जैसा पल रहा होगा। मौनी रॉय को फिल्मी दुनिया में लगातार कामयाबी मिली हुई है। इन्हें गोल्ड, रेमियो अकबर, वॉल्टर और मेड इन चाइना जैसे फिल्मों से काफ़ी पहचान मिली। तो वहीं कुछ समय पहले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में मौनी रॉय को देखा गया था, जिसमें उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। तभी से मौनी रॉय को बड़े पर्दे के कई प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और वो बॉलीवुड में धमाल मचाती हुई नजर आ रही हैं। नंबर 2, अंकिता लोखंडे। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता अगर आपने देखी होगी तो फिर अंकिता लोखंडे को भूलना आपके लिए नामुमकिन होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी अंकिता लोखंडे की, जिन्होंने बहुत सालों पहले टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अपने फैंस के दिलों में राज किया था। इस सीरियल के बाद अंकिता ने फिल्मी दुनिया का रुख किया और उन्हें सफलता भी मिली और अब ये बॉलीवुड में धमाल मचाती हुई दिख रही हैं। नंबर 3, निकिता दत्ता। साल 2019 में शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह आई थी। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ही प्यार दिया और ये फिल्म सुपरहिट भी रही। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस फिल्म में निकिता दत्ता भी थी। जी हाँ, फिल्म कबीर सिंह में निकिता दत्ता ने काम करके पूरे बॉलीवुड हैरान कर दिया था। हालांकि इस फिल्म में अंकिता दत्ता का रोल काफ़ी छोटा था, लेकिन वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अभिनय की छाप छोड़ पाने में कामयाब हुई। नंबर 4, राधिका मदान। टीवी सीरियल में सबसे ज़्यादा चर्चित सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही में से एक रहा है। इस सीरियल में मुख्य भूमिका में काम करने वाली एक्ट्रेस राधिका मदान भी काफ़ी चर्चित रही। इस सीरियल के बाद राधिका मदान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार फिल्मी दुनिया की तरफ ध्यान देती गई। आपको बता दें कि सीरियल के बीच में ही राधिका को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिल गया और फिर 2018 में आई फिल्म पटाखा में राधिका को लीड रोल में देखा गया, जिसके बाद से ही ये अपने कदम फिल्मी दुनिया में जमा चुकी हैं। दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।